वीडियो दोस्तों आज की वीडियो कई लोग कमेंट आ रहे, देखो जो यार बिगनर जो ट्रेडर हैं काफी ज्यादा परेशान है कि हमें किसमें अकाउंट ओपन करना चाहिए किसमें नहीं करना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी राय दूंगा, अगर आप उसमें ओपन करोगे तो आपको ट्रेडिंग सीखने के लिए मिलेगा और साथ ही साथ अर्निंग होगा। दोस्तों क्या होता है कि जो ब्रोकरेज वाले होते हैं काफी ज्यादा दोस्तों मतलब कि खराब नहीं कह सकते हैं, है होते ठीक है, लेकिन आपको ब्रोकरेज ही इतना लग जाता है क्योंकि देखिए बिगनर में आप ओवर ट्रेडिंग या कुछ भी तो करते ही करते हैं, आप कुछ भी कहिए लेकिन हो ही जाता है। सो गाइस आप यहाँ पे कोटाक नियो में आप इजीली यहाँ पे अकाउंट ओपन कर सकते हो। दोस्तों डिस्क्रिप्शन लिंक दी, अगर आप वहां से ओपन करते हो तो 100 रुपए का आपको बोनस मिल जाएगा और ऑटोमेटिक। सो गाइस ऐसा कुछ नहीं, तो चलिए अब देख लेते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे किसमें आपको ओपन कराना चाहिए। देखिए गाइस यहाँ पे आपको काइट देखिए जीरोधा भी मिल जाएगा, आपको यहाँ पे अपस्टॉक्स भी मिल जाएगा। दोस्तों देखिए सारे में है, लेकिन देखिए अगर आपको चीज अगर आप बिगनर ट्रेडर हो तो गाइस यहाँ पे आप अपस्टॉक में इजिली आप यहाँ पे अपस्टॉक को छोड़िए, जीरोधा को छोड़िए, एंजल वन को छोड़िए, जो भी आपका ये पैसा वैसा है आप यहाँ पे कोटाक में चले जाइए। गाइस मैं बता रहा हूँ अगर आप इसमें अगर आप आ जाते हो तो देखिए क्या इसमें बेनिफिट्स है आपको। देखिए मैं मानता हूं इसका चार्ट घटिया, हर एक चीज घटिया, लेकिन पैसे जहां लगते हैं ना भाई, जब पैसे कम लगते हैं, देखिए 299 में आपको इजीली आप हम मेरे अकाउंट से लिंक से करोगे तो 100 तो बोनस ही मिल जाएगा। तो गाइस देखिए अगर आपको यहाँ पे डेली अगर आपका सोचिए अगर आप डेली 2 ट्रेड लेते हो, देखो बिगनर ट्रेडर तो 2 ट्रेड लेता नहीं है, खैर मैं मानता हूँ वो हमेशा 4-5 ट्रेड लेगा ओवर ट्रेडिंग, तो कम से कम उसके 250-300 जो जा रहे हैं डेली के वो एटलीस्ट बचेंगे। और इसमें क्या होगा कि जैसे देखिए बिगनर ट्रेडर क्या अक्सर गलती करता है, बार बार ट्रेड लेता है तो बार बार कट करता है, तो क्या होता है उसके ब्रोकरेज ज्यादा लगता है। आप कभी भी देख लेना जो बिगनर ट्रेडर होता है उसके लॉसेस कम होते हैं क्योंकि गाइस वो फटाक से कट कर देता है, लेकिन उसका जो ब्रोकरेज होता है सबसे ज्यादा होता है। तो दोस्तों ब्रोकरेज पे फोकस करिए आप, ब्रोकरेज आप जितना से जितना बचा सकते हैं। मैं भी स्टार्टिंग के टाइम में कोटाक नियो में खोला था, इससे ही सीखा था गाइस, आज से मैं 6-7-8 महीना पहले इससे ही सीखा था और बहुत अच्छे से था। अभी मैं देखिए मैं नहीं बोल रहा कोटाक नियो में मैं करता हूँ, देखिए मैं कोटाक नियो में भी करता हूँ और ट्रेडिंग व्यू मतलब ये जो अपस्टॉक का पुराना एप्लीकेशन है उसमें थोड़ा मुझे कंफर्टेबल लगता है, तो इसलिए मैं उसमें करता हूँ, कोटाक नियो में करता हूँ। क्योंकि दोस्तों देखो मैं प्रॉफिटेबल एक तरीके से बना लेता हूँ, मैं उतना प्रॉफिटेबल भी नहीं फीलिंग, फिर भी प्रॉफिटेबल प्रॉफिट मैं बना लेता हूँ इसलिए मैं उसमें करता हूँ। लेकिन दोस्तों जो लॉस ट्रेडर है, जो नए बंदे आ रहे हैं या फिर जो नए हैं दोस्तों, उनके लिए कोटाक नियो काफी बेस्ट है। अगर आप ओपन कर सकते तो कर लो यार गाइस, 299 ही लग रहा है, लेकिन आपको 299 जो आपको एक बार में लगता है वो आपका कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, मात्र 2 दिन की ट्रेडिंग। अगर एक दिन भी अगर आपका साइकोलॉजी गड़बड़ हुआ, ओवर ट्रेडिंग आप उस दिन करोगे, आप उस दिन 1000-1200 ब्रोकरेज भर के जाओगे, लेकिन आपको टाक नहीं है, आपको वहां पे लॉसेस कम हो जाएगा। सो अगर आप सिंगल लॉट से करते हो, बाकी बड़े बड़े लॉट से बहुत लोग करने वाले हैं तो उनका नहीं बोल सकते हैं, लेकिन गाइस अगर आप बिगनर ट्रेडर हो, आप अपने बड़े भाई का बात मानते हो या फिर छोटे भाई हो, जो भी हो बड़े भाई हो, तो आप इसमें ओपन करा सकते हो अगर आप बिगनर ट्रेडर। दोस्तों यही सुझाव देना था, काफी लोग कमेंट आ रहे थे तो मैंने बोला वीडियो बना के डाल देता हूँ, ये ज्यादा बेटर होगा एज कम्पेयर टू बार बार लोगों को रिप्लाई देना। सो गाइस आप इसमें जाइए, लिंक से ओपन करिए अकाउंट यार होगा, ट्रेड करिए इजिली बहुत ही अच्छे से, आप धीरे धीरे देखिए इसमें खोल लेंगे 1 से 2 महीने में आप इजिली धीरे धीरे करके चीजों को सीख लेंगे, आपका कैपिटल वाइप आउट नहीं होगा ब्रोकरेज भर भर के। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।